जय हिंद साथियों, मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय चैनल पर। देखिए, आज जो कि जो वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी आप सभी के लिए, जो कि आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम मेरे साथी देते हैं। रेलवे के लिए कुछ अफवाहें हैं या सच है क्या है, इसकी वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बोला है, ये बोला गया है कि रेलवे देगा 1.40 लाख से अधिक भर्ती, वो भी 1-2 हफ्ते में ही शुरू कराने की प्रक्रिया जो लगभग तय की गई है, जानेंगे उसके बारे में। तो अगर आप चैनल से पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, सारी जानकारी सारी वीडियो में इस इन्फॉर्मेशन लेंगे। मैं आ गया हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, जो कि RRB भोपाल की वेबसाइट है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। देखिए, मैं जो आपके लिए प्रूफ की बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिए पहली बात मैं थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप सभी के लिए कि जो ये बोला गया है कि क्या इतनी साल जो है जो 1.48 47 45 की जो वैकेंसी हैं क्या ये अप्रूवल हो सकती हैं 1-2 हफ्ते में, क्योंकि देखिए अभी हम जानेंगे कि अभी हमारा जो NTPC जो अभी एग्ज़ाम निकल के गया है, क्या अभी देखिए उसका भी अभी पूरी तरह से तो प्रक्रिया वो भी भर्ती नहीं हो पाई है, पर वो भी बहुत अच्छे टर्म में है। यहाँ पर जैसे NTPC की बात करूँगा मैं, ठीक है, NTPC की बात करूँगा तो यहाँ पर आप तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, जिस जिन्होंने 12th लेवल से भरा था उनका अभी क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्होंने अभी तो सिर्फ किस क्या दिया है, टाइपिंग टेस्ट दिया है, उसका भी रिजल्ट अभी आना बाकी है। ग्रेजुएशन लेवल से जिसने भरा है, ठीक है, कुछ जोन के क्लियर हो चुका है, जिनको आपको पद भी मिल चुका है, कुछ रह गए हैं, ठीक है। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा एग्ज़ाम हुआ कौन सा नहीं हुआ, हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा कि अभी क्या होने वाला है। देखिए, अभी ग्रुप डी भी रह गया है, ठीक है, उसका भी एग्जाम हुआ, आंसर किया गया, उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो मेरे कहने से अगर मैं आपका बात समझूंगा, अगर मैं थोड़ा सोच के चलूँ या आप भी कॉमन सेंस वाली बात है, देखिए पहले मैं प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे हम, ठीक है। देखिए, जैसे मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको प्रूफ देखने को मिलेगा, 1-2 सप्ताह में रेलवे देगा 1.45 लाख नौकरियाँ, ठीक है। ये किन्होंने बोला है, वैष्णव जी ने बोला गया है, कहा रेलवे के निजीकरण की मंशा नहीं है, यानी कि रेलवे में निजीकरण नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा, ठीक है। 300 स्टेशन बनाए जाएंगे विश्व स्तरीय पर, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या दे रखा है कि वाराणसी से ठीक है नई दिल्ली के लिए जो कि आपके उसके देगा, वाराणसी नई दिल्ली के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की परिकल्पना होगी, ये सरकार ने बोला है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, यहाँ पर जैसे आप इस पेपर कटिंग में आप दे सकते हैं, ये 1.45 लाख नौकरी देने के लिए वैष्णव जी ने बोला है, वो भी कब, ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम सिर्फ 1-2 हफ्ता में, यानी कि कहने का मतलब ये है ओनली ऑन नवंबर, नवंबर का महीना आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, SSC अच्छा काम कर रही है अपने अच्छे स्तर पे, बहुत अच्छी तरह से वैकेंसी क्लियर हो रही है। इसी तरह से रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, यहाँ पर अगर आप इस हेडलाइन को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर दे रखा है, यहाँ पर मेरे साथी क्लियर क्या दे रखा है, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। रेल व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वाराणसी में कहा, यानी कि कल की बात है, कि हाल ही में संपन्न हुई रेलवे भर्ती परीक्षा के तहत 1-2 सप्ताह में 1.45 लाख को लोगों को नौकरी दी जाएगी, ठीक है। बीते 8 वर्षों में रेलवे ने 3.45 लाख लोगों को रोजगार दिया है, यानी कि 4.25 लाख वैकेंसी क्लियर की है 8 साल में रेलवे द्वारा, ठीक है। अहमदाबाद मुंबई रूट पर जो बुलेट ट्रेन का कार्य स्थगित किया गया है जो भी है, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये रखा है कि यहाँ पर जो जो अभी जो वैकेंसी के बारे में जो बात की गई है ना, वो किस वैकेंसी के बारे में बात की गई है, वो हमारे लिए बात की गई है मेरे भाई, जो कि 1.3 1.4
जो लाख नौकरी है ना, वो कौन सी बात की गई है? वो यही बात की गई है जो रेलवे और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो वैकेंसी थी उसी के बारे में इन्होंने बताया गया है। ठीक है, तो इस पेपर कटिंग पे जैसे लोग सोच रहे हैं कि नहीं 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 नीचे नई वैकेंसी आएगी, जो नई वैकेंसी आएगी वो एक्चुअली में नई वैकेंसी नहीं है, वो जो बोला गया है वो यही बोला गया है जो 3 साल से आपने फॉर्म फिल किया है। 2019 में जो आपने फॉर्म फिल किया था, 2019 में मेरे साथियों क्या बोला मैं, 2019 में एनटीपीसी और किसका फॉर्म फिल किया गया था, ग्रुप डी का। अब बात समझ में आई, 2019 में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखिए 2019 में जो आपने एनटीपीसी, ठीक है, और क्या रहा आपका ग्रुप डी, ठीक है, आपने एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी आपने जो फॉर्म फिल किया गया था उसकी ही वैकेंसी ही इतनी थी, तो उसने उसी को मिला के 1.45 लाख वैकेंसी यहाँ पर आपने क्लियर करने का वादा किया था गवर्नमेंट ने, वो कि 1-2 हफ्ता में आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश की है, कितना टाइम दे रखा है, मात्र 1-2 हफ्ता में। कहने का मतलब यह है कि एनटीपीसी की जो कि 12th लेवल से जो वैकेंसी थी वो यहाँ पर उसका जो कि आपका कह सकते हैं जो कि आपका जो NTPC CVT 1 जो 12th लेवल का जो टाइपिंग टेस्ट हो गया था वो 1 या 2 हफ्ते में वो भी क्लियर होके उसका वैकेंसी यानी कि क्लियर कर देगा, यानी कि NTPC जो कि 1-2 हफ्ते में क्लियर कर देगा वैकेंसी को। बात क्लियर होगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडियो बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। ठीक है, बाकी सारा काम कंप्लीट है। आयुष सर की क्लास भी रेगुलर हो रही है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस कोई भी चिंता मत कीजिएगा। SSC GD के लिए, विशेषकर SSC GD वालों के लिए लगातार मेहनत जारी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।